क्या नाम है बाबू आपका? शंकर कुमार। शंकर कुमार, यहीं रहते हो? नहीं, नरही में। नरही में। ये बारिश, ये पानी कब से जम गया यहाँ पे? बारिश होने के कारण। कब से हो रहा है बारिश? क्या कह रहे हैं आंटी जी? हाँ, बाढ़ आ गया आपके तरफ इस बारिश की वजह से? अच्छा, ये बताइए ये स्टेशन कब चलेगा? ट्रेन यहाँ से, गाड़ियाँ कब चलेगी स्टेशन से? चलेंगे से नहीं कहेंगे तो। नहीं कहेंगे मतलब बाढ़ आप लोगों को ज़्यादा परेशान करता है कुल मिलाकर। हाँ। बारिश का क्या करें, ये तो आपदा है भगवान का। आपको हमको हम सब का धानों नहीं छी बुआ, धानों खराब भ गए। हाँ। वो तो भेनाइए। नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्यन हेल्प एंड ट्रिक्स। और यहाँ देख सकते हैं कि ये वीडियो जो है वो निर्मली रेलवे स्टेशन यार्ड का है और यहाँ पे बिल्कुल बाढ़ का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेलवे के द्वारा सरकारी क्वार्टर्स बनाए गए हैं, सरकारी कार्यालय जो बनाया गया है, उन सब में पानी घुस चुका है और यहाँ जल जमाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। देख सकते हैं कि ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं जहाँ से लोग आ जा रहे हैं, ये रास्ता है, बिल्कुल ढलाई रोड है और इन रोडों पे जो है वो पानी बिल्कुल जम गया है, थम सा गया है और तालाब का यहाँ पे नज़ारा जो है वो बन गया है बिल्कुल ही। जस्ट रेलवे स्टेशन जो है निर्मली का, उसके पीछे का ये नज़ारा है और दूर आप देख सकते हैं कि ट्रैक भी यहाँ से दिख रहा है, जो पटरी है, जो पटरी गई हुई है वो भी यहाँ से आपको दिख रहा है। और यहाँ पास में एक मंदिर है, मंदिर के अंदर भी जो है पानी देखा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में घुस चुका है। और यहाँ पे विगत लगभग 48 घंटे लगातार बिहार के कुछ जिलों में बारिश होने की वजह से जो है ये यहाँ पे निर्मली का जो मुख्य रेलवे स्टेशन है वहाँ के जो सरकारी कॉलोनियाँ बनाई गई हैं वहाँ का ये नज़ारा कंप्लीट आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ कि रेलवे स्टेशन का भी काम जो है वो जोरों शोरों पे चल रहा है और उसका भी जो है वो मैंने वीडियो आप तक पहुंचाना है। तो आप जो है अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं वो अपने कपड़ों को उठा के जो है रास्तों को पार कर रहे हैं और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो कुछ खोद रहे हैं, निकालने के प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए पुराने जो रेलवे के द्वारा मकाने बनाए गए हैं उन सब का बुरा हाल कर दिया है बारिश ने। और मुझे लगता है कि ये पानी का जमाव जो है वो काफ़ी लंबा समय से जो है यहाँ पे समस्या बन के खड़ा हुआ है और जब भी ज़्यादा बारिश होती होगी तो यहाँ पे जो है कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता होगा। स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कत होती होगी। और ये भी देखिए दोस्तों, एक सरकारी कार्यालय है और जो कि रेलवे से ही मेरे ख्याल से जुड़ा हुआ है ये कार्यालय। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कुछ बिहार सरकार कार्यालय। तो दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इस कार्यालय के अंदर भी जो है पानी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे घुसा हुआ है और हर तरफ जो रेलवे का काम चल रहा है उसका जो सामान है रखा हुआ उन सब में भी कहीं ना कहीं पानी घुसा हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया में जो है ये पानी यहाँ पे जमा हुआ है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको हर तरफ से दिखाऊँ कि यहाँ पे कितना सारा पानी जो है और कहाँ कहाँ जो है प्रवेश कर चुका है और इनसे निजात पाने के लिए जो है यहाँ पे कोई व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है, वो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश किया है मैंने। और यहाँ पे देखिए ये जो है डूबते डूबते यहाँ पे गिरते गिरते बच गए हैं और इस तरफ देख सकते हैं बिल्कुल पानी जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे वाकई यहाँ पे बाढ़ आ गई हो और बाढ़ का माहौल बन गया हो। और देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये पटरी है जो कि रिसेंटली नया बना हुआ है और पास में ही स्टेशन भी है। और मैं आपको स्टेशन का भी कंप्लीट
जानकारी जो है मान वो बताऊंगा। और यहाँ देखिए सामने की तरफ जो है बाइक आ रही है, मोटरसाइकिल, और ये देखिए पानी के अंदर जो है क्या मोटरसाइकिल का हाल हो रहा है। और यहाँ पे इस तरफ गाड़ियाँ भी खड़ी है जो कि पानी के अंदर ही है। और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जो ये एरिया है वो ज़्यादा टाइम जो है वो पानियों में ही डूबा रहता है, क्योंकि जल जमाव का यहाँ एक बड़ी समस्या है और जिस पे काफ़ी टाइम से जो है कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है या इससे निवारण का कोई हल जो है वो नहीं निकाला जा रहा है। और जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि जेसीबी जो है वो भी पानी के अंदर, बारिश भले हम लोग सबके धान जैसे से बहुत बर्बाद भ गए लेकिन अहाँ सबके तरफ जैसे से ज़्यादा पानी के तबाही छे। सरकारी हमरा सबके प्रति गोडाउन है, उसका भी मैं आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा। और उसके अंदर भी जो है पानी काफ़ी मात्रा में जो है घुस चुका है, वो भी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। और ये एक मेन मार्ग है जो कि भुतही के तरफ से अगर आप आते हैं तो निर्मली बाज़ार या स्टेशन के मुख्य द्वार पे अगर आपको जाना है तो इसी रोड से जो है आपको जाना होता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम टू सेम झंझारपुर जंक्शन वाला हाल यहाँ पे भी नज़र आता है कि वहाँ पे भी जब बारिश होती है तो जल का जमाव कुछ ऐसा ही हो जाता है। और यहाँ पे भी यही सेम है, हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जो है वो इकट्ठा हो चुका है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो खिड़कियाँ जो बनी हुई हैं उनको भी लगभग छूने छूने पे तैयार है पानी का लेवल। और यहाँ पे काफ़ी दिक्कत से लोग जो हैं वो आ जा रहे हैं। और ये देखिए टीन सेट का जो है यहाँ पे गोडाउन टाइप बना हुआ है और इसके अंदर भी देखा जा सकता है कि पानी का जो बहाव है, पानी जो है वो इसके अंदर भी, इसको भी अपने चपेट में जो है ले लिया है। और यहाँ पे कुछ सामान भी रखा हुआ है जो कि रेलवे का है और वो भी पानी में बिल्कुल ही जिसकी वजह से डूबता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। कंडीशन जो है यहाँ पे बन गया है और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये देखिए इस तरफ में ही ट्रैक जा रहा है। और मैंने आपको बताया निर्मली का रेलवे स्टेशन है पास में, उस तरफ देखिए वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, काम चल रहा है। जो ये सामान जो देख रहे हैं आप यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी है ये कम्प्लीट वो जो अभी काम चल रहा है रेलवे का यहाँ पे देखिए गोडाउन के अंदर भी बहुत सारा सामान मेरे को लग रहा है की रखा हुआ है इसके अंदर। और हालांकि आज तो मौसम काफ़ी साफ हो गया है और आज बारिश की आशंका कोई लग नहीं रही है। अगर और बारिश हो जाती तो यहाँ पे और भी ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ कहीं कहीं पे तो रोड पे जो गड्ढा वड्ढा बना है तो वहाँ तो कमर हो जाती। और यहाँ देखिए यहाँ पे भी जो है ये सरकारी कार्यालय बना हुआ है, ठेहुना जो है वो तो डूबा ही है पानी के अंदर और उसके अंदर भी कम्प्लीट यहाँ पे देख सकते हैं कि यही नजारा पानी का जमाव जो है हालांकि हो चुका है। हालांकि जो है यहाँ पे राइट साइड में पानी निकासी का जो है काम चालू कर दिया गया है, जनरेटर अच्छे मकान बने हुए हैं अभी जो कि जमा हुआ है सरकार द्वारा बनाया गया है। देखिए कोसी सरकारी कार्यालय है और यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कोसी विश्राम गृह निर्मली। और फिलहाल इसमें बारिश का पानी जो है वो विश्राम करता हुआ दिख रहा है जो कि और इस तरफ भी के जस्ट पास में बगल में एक आलीशान देख सकते हैं मकान बना हुआ है। और नज़र आप देख सकते हैं कैसा है, उसके अंदर भी ये देखिए गेट है इसका। और यहाँ पे भी जो है पानी का और यहाँ देखिए जमाव कमहर जब मर तो कुल मिला के लगभग निर्मली का जो रेलवे स्टेशन है वो आधा जो है अभी पानियों में पानी के अंदर जो है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि क्या हाल बन गया है तैर रहा है। और ये देखिए यहाँ पे दीवालें जो हैं वो भी लगभग पानियों में जो हैं समाहित हो रही हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये देखिए शानदार एक मकान बिल्डिंग बना हुआ है और इसके अंदर भी पानी ने प्रवेश कर लिया है। चूँकि दोस्तों बता दूं हालांकि पानी को जो है निकालने का काम जो है वो जारी है और एक ज़्यादा हॉर्स पावर वाली मशीन लगाई गई है और उससे जो है ज़्यादा मात्रा में पानी भी निकाला जा रहा है यहां पे। और